जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में एलडीसी पद पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। सेना के अधिकारियों और जवानों के साथ लाखों की ठगी हुई। ठगों ने आईएएस अधिकारियों और कई नेताओं से जान पहचान का हवाला दिया और मेडिकल इंटरव्यू और ज्वाइनिंग के नाम पर 70 लाख रुपए ठगे। सेना के कैप्टन, हवलदार, सूबेदार सहित अन्य लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। राजधानी के अलग अलग होटल्स में बुलाकर ये इंटरव्यू लिए गए और ठगी की गई। सभी को थमाए गए फर्जी ऑफर लेटर लेकर पीड़ित पहुंचे विधानसभा, तब खुली पोल। मानसिंह शेखावत ने मुरलीपुरा थाने में यह मामला दर्ज कराया है। अभिषेक उर्फ सुनीत सहित 9 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। तो विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय, ठगी की गई है, देखिए 70 लाख रुपए अपने आप में एक छोटी रकम नहीं है और होटल्स बुलाकर इंटरव्यू लिए गए। रोजगार के लिए लोग जाते हैं लेकिन ये ठगी सामने आती है तो बेहद निंदनीय ये है। जी वाकई, देखिए लगातार नौकरी लगाने के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आते हैं लेकिन ये जो मामला सामने आया है इसमें पर्टिकुलर जो सेना के जवान है और अधिकारी है उनको और उनके मिलने वाले परिचित रिश्तेदारों और बच्चों को जो है ठगी का शिकार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि 35 लोग हैं जो ठगी का पूरा शिकार हुए हैं और 35 लोगों की नौकरी विधानसभा में एलडीसी के पद पे लगाने का जो झांसा है वो ठगों ने दिया। और सबसे पहले जो पीड़ित लोग हैं उनको पीड़िया चौराहे पे बुलाकर ये बताया गया कि जो उनकी जान पहचान है वो आला अधिकारियों से है। कई आईएएस अधिकारियों के नाम गिनाए गए, कई मंत्रियों के नाम गिनाए गए, यहाँ तक कि कई मंत्रियों के साथ अपनी फोटो भी जो है ठगों ने दिखाई। और इस तरह से जो सेना के अधिकारी और अन्य जो जवान हैं उनको अपने झांसे में लेने के बाद विनय ये पूरी जो जिनके जी विनय आपसे जानना चाहेंगे जो ये पूरी ठगी की गई है ये क्या पहले भी ऐसी ठगी कर चुकी है? उनके खिलाफ पहले भी क्या मामले दर्ज हैं? कितने लोगों की ये पूरी मतलब गैंग कहें इसको? जी बाकी देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा 9 लोगों की जो ये पूरी गैंग है और इसमें 9 लोगों के खिलाफ जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 9 लोग हैं जिनका आरोप लगाए गए हैं इनके खिलाफ पूर्व में अभी तक किसी भी तरह की ठगी का कोई जो मामला है वो दर्ज नहीं पाया गया। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि राजस्थान से बाहर किसी अन्य राज्य में क्या इन लोगों ने इस तरह से ठगी का शिकार किसी को बनाया है लेकिन राजस्थान में अभी तक किसी तरह का कोई जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो इन लोगों का नहीं पाया गया। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और इन्होंने किस तरह से पूरे राजस्थान में आकर अपना गैंग को ऑपरेट किया इसके बारे में भी जो पुलिस है वो जानकारी जुटा रही है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने फर्जी ऑफर लेटर थमाए, यहाँ तक की राजधानी के अलग अलग होटल में बुलाकर जो बच्चे हैं उनके इंटरव्यू लिए, उनका मेडिकल करवाया और साथ ही खुद को विधानसभा का सचिव बताया, आईएएस अधिकारी बताया और इस तरह से पूर्व आईएएस अधिकारियों के हवाला का भी इन्होंने कहा इस बात का। जी बिल्कुल, इसमें कई आईएएस अधिकारियों के नाम जो है वो लिए गए, यहाँ तक कि जो होटल में बुला के इंटरव्यू लिए गए बच्चे के उसमें भी कुछ लोग ऐसे बैठाए गए जिनको आईएएस अधिकारी बताया गया। हालांकि वो लोग आईएएस अधिकारी थे या नहीं थे इसकी भी जो जांच है वो पुलिस कर रही है क्योंकि मामला सैन्य अधिकारियों से जुड़ा हुआ है तो इस मामले को गंभीरता से बरता जा रहा है और इसमें पूरी जो जांच है वो विशेष टीम के द्वारा की जा रही है। हालांकि जो तमाम आरोपी हैं वो अभी फरार बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। किन किन बैंक खातों में राशि जमा करवाई गई? ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विनय। तो विनय हमारे साथ जुड़े हुए थे। फर्जीवाड़ा किया, फर्जी ऑफर लेटर्स थमाए गए।